सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में गुंडों ने मस्जिद का खुफल तोड़ कर की कुरान शरीफ की बेहुरमती और कई सारे नुस्खों को जला दिया। पुलिस इंस्पेक्टर HC राहुल ने कहा कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, अलबत्ता नामालूम अफराद के खिलाफ FRI दर्ज किया गया है। कुरान मस्जिद अल्लाह का एक खूबसूरत सा कलाम है, इसकी बेहुरमती करने का हक किसी को भी नहीं है। यकुम में से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का किया गया है शेड्यूल जारी, 27 अप्रैल होंगे इम्तिहानात। रियासत हैदराबाद में स्कूल और कॉलेजेस की कुशादगी से एन कबल महकुमा तालीम की जानिब से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट साले अव्वल और दुवम के शेड्यूल की इजराई अमल में आई। शेड्यूल के मुताबिक रियासत में यकुम में से इंटरमीडिएट साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज़ होगा और 19 मई तक इम्तिहानात जारी रहेंगे। साले दुवम के इम्तिहानात 2 मई से होंगे और 20 मई तक जारी रहेंगे। अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल स्टेफन का इस्लाम कबूल करना, आइए जानते हैं ये तफसील। अमेरिका के साबिक बास्केटबॉल मशहूर खिलाड़ी स्टेफन जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान खुद इंस्टाग्राम पर किया और एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें बताया गया है कि वो इस्लाम कबूल करने के लिए तमाम दोस्तों के सामने कलमा तैयब पढ़ रहे हैं। इनके इस फैसले का इन दोस्तों और दीगर चाहने वालों ने खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। स्टेफन जैक्सन ने अपने बास्केटबॉल के 14 साल करियर में 14 सीज़न खेले हैं और 12,000 ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किए। KT रामाराव ने वक्फ बोर्ड के कैलेंडर की रस्म इजराई अंजाम दी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR रामाराव ने आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के कैलेंडर बराए साल 2021 की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी, साबिक वज़ीर लक्ष्मा रेड्डी और TRS के सीनियर कायदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद में 5 रोज़ा नर्सरी मेला। पौधों के शौकीन लोगों को नेचर से खरीब लाने के सिलसिले में तेलंगाना इवेंट ऑर्गेनाइजेशन TEO की जानिब से 9वां ग्रैंड नर्सरी मेला 28 जनवरी ता 1 फरवरी पैलेस प्लाजा नेकलिस रोड हैदराबाद पर मुनक़द किया जा रहा है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स खालिद अहमद ने बताया है कि हम इस तरह का नर्सरी मेला 2015 से पूरे हिंदुस्तान में इनेकाद कर रहे हैं। ये अब तक पैलेस प्लाजा नेकलिस रोड मुनक़द किया जा रहा है। इस तरह का 8वां इवेंट है।